तो दोस्तों आज जो है हम लोग एक वीडियो रिकॉर्ड करने का चक्कर था कि जो है मारुति ओमनी के ऊपर भी बहुत सारे जो है कमेंट्स आ रहे थे, तो उस कमेंट के हिसाब से मैं सोचा कि चलो आज वीडियो बनाते हैं ओमनी के ऊपर में। लेकिन अभी क्या है ना कि बहुत ज़्यादा कोरोना यहाँ पे, मतलब हमारे सिटी में, मतलब धनबाद सिटी में बहुत ज़्यादा केसेस निकल कर सामने आ रहा है। 61 केसेस कल आए थे, और यहाँ पे जो सिचुएशन ये है कि अभी बहुत ज़्यादा, मतलब सोच समझ के निकलना पड़ रहा है। इवन जो सूट होती है, सूट के भी ऊपर बहुत सारा, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। ऑलरेडी घर में भी लोग बोल रहे हैं घर से बाहर मत निकलो। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि जैसे जो हम लोग शूट कर रहे हैं कार के ऊपर में, जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को, तो इन इन्फॉर्मेशन के लिए जो है सबसे पहला जो है हमारा चैलेंजिंग जॉब ये होता है कि सबसे पहले जो डीलर होते हैं उनको कन्विंस करना पड़ता है। कन्विंस करने के बाद वो थोड़ा सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद जो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो है बहुत सारे डीलर्स का क्या होता है कि वो, मतलब सपोर्ट करते हैं यार, लेकिन अंदर से नहीं करते। जैसे गाड़ियों को दिखाना होता है तो गाड़ियों को एक एक करके आपको दिखाना चाहिए ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो, चैलेंजिंग जॉब बन जाता है। तो इसके लिए जो है हम लोग, मतलब बार बार कन्विंस करते हैं। कन्विंस करने के बाद कुछ ऐसे डीलर्स से भी कांटेक्ट हुआ है जो बहुत हद तक सपोर्ट भी हमें करते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, जो है एल्टो के ऊपर भी वीडियोस आ रहे हैं और साथ में ओमनी के ऊपर। ओमनी जो आप लोगों का जो है बहुत ज़्यादा डिमांड पे है, और कमेंट में सबसे ज़्यादा ओमनी आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ने स्कूटर के ऊपर भी क्वेरी की है, स्कूटर बाइक वगैरह वगैरह। तो बाइक की वीडियो बस समझ लो यार आ गई है, 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगी। आज का जो है मैं ये वीडियो आपको इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी था कि आप लोग, मतलब मैं किस तरह से जो है रिकॉर्डिंग करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे चलिए आपको हम वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरह से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, कौन सा कैमरा मैं यूज़ करता हूँ। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे पास फिलहाल जो है ना एक, मतलब एक कैमरा है, आप देख सकते हो इस कैमरे को। और ये कैमरा जो है एसजे कैम का कैमरा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और ये एसजे कैम के साथ में मेरे पास एक ट्राइपॉड मैंने मंगवाया था, 150 का ट्राइपॉड है, और इसी ट्राइपॉड को मैं यूज़ करके वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। साथ में मेरे पास जो है एक फ़ोन है, आप देख सकते हो इस फ़ोन को, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत बेस फोन है, मतलब 8-8.5 हज़ार का फ़ोन है ये, ऑनर का, ठीक है, 8C। तो ये जो है फ़ोन मैं यूज़ करता हूँ। इनमें से जो है गिलोय के पेड़ को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि जैसे ये जो है देख सकते हो छोटा मोटा जो जंगल जो है, तो ये जो है गिलोय का जो पत्ता होता है, कुछ इस तरह का पत्ता आपको देखने को मिलता है। और ये गिलोय का जो है पत्ता आप देख सकते हो, ये जो है पहले जो आप ऑनलाइन भी अगर सर्च करोगे तो आप इसका पत्ता को जो है मिला लो, यही है जो कि गिलोय का पत्ता इसको बोला जाता है। चलिए इसको हम थोड़ा तोड़ लेते हैं और आपको हम बताएंगे दोस्तों कि ये जो है गिलोय का पत्ता कुछ इस तरह से दिखता है। और ये जो है इसको अगर आप लगातार इसका जो है काढ़ा पीते हो तो मेरे ख्याल से, जैसे बताया जाता है और मेरे को घरवाली ने बताया और रामदेव बाबा के वगैरह के वीडियोस में ये पता चलता है कि इसके अगर काढ़ा इसका जो है बनाने में बहुत ही आसान होता है। मैं आपको बता दूं कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो इसको बनाने के लिए जो है सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मान लीजिए इसका जो है थोड़ा मोटा वाला, जो ये वाला जो पार्ट है थोड़ा मोटा होना चाहिए, या फिर ऐसा अगर मिलता है तो ऐसा भी ले लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए। मतलब अगर ये पूरा ले लेते हैं तो मेरे ख्याल से 1 ग्लास इसका काढ़ा बन जाएगा, मतलब एक आदमी के लिए छोटा मोटा, मतलब 5-6 सिप अगर आप इसका काढ़ा पीते हो तो आपको सर्दी और खांसी कभी नहीं होगा, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा कोरोना से बचने के लिए। तो ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली कि आपको एक ग्लास ले लेना है, एक ग्लास पानी ले लेना है, और इसके जो है छोटे छोटे पार्ट्स कट करके, छोटे छोटे टुकड़े करके, और इसको पानी में डाल देना है। साथ में थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए, थोड़ा सा काली मिर्च का जो है पाउडर डाल दीजिए, मतलब जो जीरा या फिर गोलकी का जो है डाल दीजिए, थोड़ा सा स्वाद के लिए नमक डाल दीजिए। अगर बच्चे को पिलाना है तो इसमें आप डाल सकते हो शहद, जी हाँ दोस्तों, शहद मतलब हनी, इसको डाल सकते ताकि बच्चे को भी आसानी से ये पी पाएंगे। तो ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इसको उबाल करके छोटा थोड़ा सा बना दीजिए, मतलब कि 1 ग्लास अगर इसको डालते हो तो कोशिश करो कि थोड़ा कम हो जाए, मतलब बहुत कम हो जाए, लगभग आप एक आदमी के लिए जो है 5 से 6 सीप काफ़ी होता है। इसको खाने के बाद ऐसा बताया जा रहा, और मेरे पास कुछ ऐसे भी जो है मैंने एग्जांपल्स मुझे मिले हैं, मैं हो सकता है कि उनसे आपको रूबरू करा दूं, तो उनको वो लगातार इसका सेवन कर रहे हैं और उसके बाद जो है उनको खांसी और सर्दी जो है ना कभी नहीं हुआ है। और सिम्टम जो है कोरोना का क्या सिम्टम है कि खांसी और अगर सर्दी होती है या फिर बुखार होती है तो फिर आपको ये कन्फर्म, मतलब एक सिम्टम मिल जाता है कि आपको कोरोना है। और ऐसे में जो है इसका अगर आप सेवन करते हो तो, समझ रहे हो बात को, आप लोग समझदार हो।
तो गाइस जो है मेहनत तो हर किसी हर एक काम में होता है। मैं मेहनत करने से डर भी नहीं रहा हूँ। और यहाँ पे जो है सिचुएशन ये है कि देखिए अभी जो है बारिश का मौसम है, अभी मैं छत के घर के छत पे हूँ और जैसा कि देख सकते हो आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूँगा। और जो है वेदर बहुत ज़बरदस्त है और पूरा की तरह जो है पूरी तरह से जो है बारिश होने का ऐसा लग रहा है कि बारिश भी होगा। तो ये जो है लोकेशन काफ़ी कमाल का है और इस तरह से जो है वीडियोस जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आप सभी के लिए, जो मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को जो है एक तरह का जो है मतलब हर चीज़ आपको आपके चैनल पे एक्सप्रेस व्लॉग यूट्यूब चैनल पे आपको हर चीज़ मिल पाएगा। तो इसके लिए जो है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ दोस्तों। आप सभी का जो है कमेंट्स, मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ और आप में से बहुत सारे कमेंट्स मेरे दिल को छू लिया है। और ऐसे में जो है आप ये जो है एक लाइक तो इस वीडियो को बनता है दोस्तों, क्योंकि मतलब जो समझ सकते हो कि अरे जो आपके कमेंट जो है मैंने जो पढ़े हैं उन कमेंट्स में, मैं तो ऐसे कैटेगरीज को मैं देखे हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो एक स्कूटर तक को सर्च कर रहे हैं, सेकंड हैंड यूज जो स्कूटर को भी सर्च कर रहे हैं। तो यार आप समझ सकते हो, उनके लिए एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कोरोना में जो है ना फिलहाल अभी आपको सेफ रहना है। फैमिलीज़ को जो है, आपके फैमिली होंगे, आपके परिवार होंगे, उनको भी सेफ रखना होगा। और इसके लिए जो है हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मास्क लगा कर जाते हैं, साथ में जो है बहुत तरह की जो है साथ में अपना जो है सैनिटाइज़र हम लोग लेके चल रहे हैं, ताकि अगर हम सेफ़ रहेंगे तो ही हम आपको एक्सप्लोर कर पाएंगे पूरे धनबाद को, पूरे इंडिया को। और आप में से जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आप लोग के साथ ही जो है आप लोगों का कमेंट आया था, बहुत सारे कमेंट आया है कि आप लोग वेस्ट बंगाल से हो, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि मैं बिहार से हूँ, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया गुजरात से हूँ, बहुत सारे लोगों का कमेंट तो आसाम से भी हूँ। तो इस तरह के जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ऐसा भी होगा मतलब आने वाले टाइम में जैसे ही जो लॉकडाउन ख़त्म होगा और कोरोना कम हुआ, मतलब आपको घूमने की आज़ादी जब मिल पाएगी, तो मैं आप सभी के लिए आपके एरिया में आकर के आप सभी के लिए आपके लिए जो है कार की वीडियोज़ मैं दिया करूँगा। तो दोस्तों इसी बात पे एक वीडियो को लाइक, जी हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।